नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल के समोली प्रभारी नेमपाल सिंह लोधी ने गांव-गांव जाकर भाजपा में सदस्यता ग्रहण कराई। जनपद संभल के विधानसभा समोली प्रभारी नेमपाल सिंह लोधी ने गांव-गांव जाकर मीटिंग कराकर भाजपा पार्टी में लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। साथ ही बताया कि केंद्र ने सरकार व प्रदेश सरकार ने गरीबों को शौचालय और मकान देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों को फ्री लाइट कनेक्शन करवाया, जिससे गरीबों के घर में रोशनी हो और गरीबों के घर घर गैस सिलेंडर दिलाने का भी काम किया है और बहुत सी योजनाओं के लाभ गरीबों को दिए गए हैं। संभल से मोहम्मद अली नकवी की रिपोर्ट। आप भाजपा पार्टी से विधानसभा समूह से प्रभारी हैं और भाजपा पार्टी की जगह जगह आप मीटिंग सदस्यता कर रहे हैं जी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है जी। हमारे केंद्र के बड़े नेताओं ने, गृह मंत्री जी ने कल उसका उद्घाटन किया है और एक नंबर दिया है। उस नंबर पर हम जो है मिस कॉल लगवाते हैं। पार्टी के सदस्य बनाने का काम इस समय कार्यकर्ता सभी कर रहे हैं, लग रहे हैं। हम भी जगह जगह मीटिंग लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के और ये जो नंबर है इस पर मिस कॉल लगवा करके उसको सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। अभी जो हमारी पार्टी के सदस्य हैं वो 11 करोड़ से ऊपर हैं। तो हमारी जो पार्टी है वो देश में नहीं पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं के नाते भी और सदस्यता के नाते भी। इसलिए पार्टी जगह जगह कार्यकर्ताओं को भेज करके और घर घर जा करके सदस्य बनाने का काम इस समय चल रहा है। बारे में क्या कहेंगे? देखो, हमारी केंद्र की सरकार ने भी और प्रदेश की सरकार ने भी, इन दोनों सरकारों ने जो कार्य किया है उस कार्य का जो परिणाम है वो जनता को दिख रहा है। चाहे हमने गरीब के नाम पर जिन घरों में शौचालय नहीं थे उनको शौचालय देने का काम किया है और जीवन भर आदमी खेती या मजदूरी करके ये प्रयास प्रयत्न करता था कि मैं अपने बालकों के लिए एक छत बना दूं जी, तो उस पर मकान नहीं बन पाता था और मकान नहीं बन पाता था तो वो आयु के ढलते हुए चरण में उसके आंसू निकलते रहते थे पति पत्नी के दोनों के और उनको ये लगता था हम अपने बच्चों के लिए एक मकान नहीं बना पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस गरीब के आंसू पहुंचने का काम किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उसको मकान देने का काम किया है। ऐसे ही गरीबों के घर में लाइट नहीं पहुंचती थी तो पंडित दीनदयाल योजना के माध्यम से लोगों को फ्री कनेक्शन दे करके कनेक्शन दिए हैं, उनके घर में दीपावली ठीक से मनाई जा सके, उनके घर में भी रोशनी हो। जिन घरों में गैस नहीं होती थी उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस देने का काम किया है और बहुत सारे लोग, गरीब लोग इस धरती पर ऐसे ख़त्म हो जाते थे जो लोग अपनी उस बीमारी का इलाज नहीं करा पाते थे कोई बड़ी बीमारी होने के बाद, और वो ये सोचते थे कि मेरे क्या तो खेत बिक जाएगा या मेरा मकान बिक जाएगा और वो उसी बीमारी में धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता था।